पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार द्वारा धार जिले के सभी थाना चौकियों पर अवैध शस्त्र अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए चुनावी आदर्श आचार संहिता को देखते हुए निर्देशित किया गया है। जो श्रीमान SDOP महोदय सरदारपुर श्री आशुतोष पटेल और थाना प्रभारी आमझेरा श्री संजय सिंह बेस के निर्देश में रात्रि दिनांक 13 नवम्बर 2023 को चौकी प्रभारी दसाई राजू मकवाना और उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मांगोद कानवन रोड भेवरिया कुआ दसाई के पास से घटना स्थल पर से एक संदिग्ध हालत में एक महिंद्रा बोलेरो वाहन और लोडिंग वाहन में रखी 30 पेटी अवैध देशी प्लेन मदिरा शराब वाहन से जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 11,05,000 रुपए का मशूका जब्त किया गया है। आरोपी चालक घटना स्थल से फरार है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। रात्रि में शराब पकड़ी गई, कहाँ से लाई गई, क्या रखी? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बाकलवार द्वारा धार जिले में सभी थाना और चौकियों को अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं आचार संहिता को देखते हुए निर्देशित किया गया था। जो श्रीमान SDOP महोदय श्री आशुतोष पटेल एवं थाना प्रभारी श्री संजय सिंह बेश के निर्देश में आज दिनांक 13/11/2023 को रात्रि में मुंबई द्वारा सूचना मिली कि मांगोद कानवन रोड भेवरिया कुआ दसई के पास में एक संदिग्ध हालत में एक पिकअप वाहन जिसका क्रमांक MP09GG2287 लोडिंग वाहन खड़ा है। रात्रि गश्त के दौरान मैं बल के जाकर चेक किया, जिसमें 30 पेटी अवैध रूप से देसी प्लेन मदिरा मिली है जो जब्त की गई है और जिसकी कीमत 1,05,000 रुपये है। बोलोर कीमत 10 लाख है। कुल मुशरूबा 11,05,000 रुपये जब्त कर अपराध पंजीकृत योजना किया गया है। सर, आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी घटनास्थल से फरार है, जिसके नंबर ट्रेस कर आरोपी की तलाश की जा रही है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? आरोपी मिलने पे ये चीज क्लियर हो पाएगी कि कहाँ ले जा रहे थे। चुप भाई जैसे राजू।